सरकार की योजना बनाई है प्रयास है जी। और मैं समझता हूँ अगर सारा समाज सहयोग करेगा तो निश्चित तौर से लाभ रहेगा। हमारा शुरू से ही मानना ये है कि जो सुबह जल्दी उठता है उसको हर तरह के लाभ होते हैं, स्वास्थ्य का भी लाभ होता है और शिक्षा की दृष्टि से भी लाभ होता है उसको। हमारे यहाँ तो पहले कहते हैं सूर्य के उठने, सूर्य निकलने से पहले जो लोग उठते हैं तो लक्ष्मी उनके आती है। तो ये कहने का कारण यही था कि भाई सारे लाभ उनके होते हैं, सेहत भी उनकी ठीक रहती है, पढ़ाई भी। तो अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ अच्छा प्रयास है, समाज भी सहयोग करेगा और अभिभावक भी सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर से अच्छी पढ़ाई बच्चों की होगी। कांग्रेस इसके ऊपर ले रही है कि वो तरीके की शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था चमका गई है, इसलिए आप लोग ध्यान भटकाने के लिए नहीं 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 देखिए जहाँ पर समाज का सहयोग लिया जाए उससे चमकता नहीं है। मैं तो हर जगह चाहता हूँ कि समाज का सहयोग लेना जाने, मैं तो फॉरेस्ट में भी यही बात कर रहा कि जब तक आप समाज का सहयोग ले सकते हैं तब तक आप कभी कामयाब नहीं सकते। आप समाज का सहयोग हर काम में, अगर समाज का सहयोग अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है। सर कांग्रेस कह रही है भारत आदमी को महसूस होना चाहिए कि जो बच्चे हैं सारे हमारे सबके इकट्ठे बच्चे हैं, उन सारों की चिंता हम सब करेंगे और अगर इस प्रकार का एक माहौल बनता है निश्चित तौर से आने वाले टाइम में बड़ा भारी लाभ मिलेगा। स्पीकर को लेके आगे भी बहुत बार बोला जाता रहा है कि उसकी जो आवाज है वो कहीं तक परेशान करती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पर भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि स्पीकर से सभी बच्चों को सारों के कानों में आवाज ना इतना कुछ लहरे स्पीकर में, उस पर तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अगर बच्चों को उठाने के लिए एक बार उन्हें कह दिया कि बच्चों उठ दो और अपना अब चार बज चुके हैं या 4:30 बज चुके हैं आप उठो और पढ़ाई करो तो इसमें कहाँ डिस्टर्ब। लेकिन सर 10वीं और 12वीं के बच्चे मतलब आपको लगता नहीं वो आप खुद ही फैसला कर सकते हैं उनको सुबह पढ़ना है या देर रात तक। देखिए केवल एक प्रोत्साहन देने वाली बात है, एक प्रोत्साहन देने वाली बात है कि भाई आप उठो, उसके लिए प्रेरणा देने वाली बात है, इसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कह रहे हैं सर? कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है भारत जोड़ो यात्रा में कि बीजेपी के लीडर्स डर गए हैं इसलिए राहुल गांधी से जो लोग मिलने आ रहे हैं उनको आईबी जो है उनसे मिल रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। अरे भाई चलो ये गलत फहमी है, इनको अच्छी बात है, कौन डरता है इसे? ये तो कोई डरने की किसी की बात नहीं है, कोई और बहुत बड़ी सफलता नहीं है। ठीक है इनके कार्यकर्ता इन्होंने अपने इकट्ठे कर लिए, उससे दिखा रहे हैं कि आम जनता में कोई ना ही किसी का कोई इंटरेस्ट है। अभी आप मुझे छोड़ के अभी परली साइड में चले जाओ और किसी आदमी से पूछ लो कि भारत जोड़ो यात्रा है क्या उसका असर है, वो आपको बताएगा। मतलब पता भी नहीं क्या है क्या नहीं है, ना ही कोई असर है इस बात का और ना ही भारतीय जनता पार्टी इस बात की चिंता ने कोई बिजली नहीं काटी। अभी बिजली मंत्री जी ने कहा कि सुबह जिस प्रकार से गाड़ियों के ऊपर झंडे या उसके ऊपर बैठे लोग थे उसको देखते हैं मैं थोड़ी सी देर के लिए उसको ख्याल था कहीं किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो जाए। कह रहे सड़कों में गड्ढे थे और सड़कें नहीं जानबूझ के पूरी की गई, बनाया नहीं गया, उस तक कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया कि यात्रा कामयाब ना हो। देखिए सड़कों में जिस प्रकार से काम अभी शुरू किया, हालांकि पहले भी सड़कों की इतनी होनी, देखिए सड़कों में जिस प्रकार से काम अभी शुरू किया हालांकि पहले भी सड़कों की इतनी होनी, सड़कें ठीक है लेकिन कहीं कहीं सड़क खराब भी है, लेकिन उसके लिए अभी भी 25 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उनकी सारी तैयारी चल रही है, आने वाले टाइम में जैसे ही मौसम ठीक हो। नहीं वो सर ये कह रहे हैं कि भारत यात्रा की वजह से आपने सड़कें नहीं बनने दी। नहीं ये तो नहीं कह रहे तोड़ दी मैंने नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कहीं कहीं सड़क खराब है, मानता हूँ कहीं सड़कें खराब हैं, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब सड़कें ठीक थी, और अगर कांग्रेस के टाइम को आप देखोगे तो सड़कों की बेहद